बच्चों आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला है नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो पहला पॉइंट ये आता है कि हमको आखिर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने का नीड क्यों है, ठीक है। तो आखिर क्या जरूरत आ पड़ा कि हमको उसको पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो नीड आखिर क्या था कि हम लोग को काइनेटिक्स पढ़ना है, ठीक। तो बोला गया कि काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, यानी जो रिएक्शन का रेट है उसको स्टडी करने के लिए हम काइनेटिक्स को पढ़ते हैं, ठीक। तो आखिर क्यों जरूरी है समझे जहाँ पर, जब आप थर्मो को पढ़ते हो तो थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है कि वहाँ पे एक डेल्टा जी का फैक्टर बनाते हो आप स्टडी करते हो गिब्स एनर्जी का चेंज, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है तब क्या बोलते हैं कि आपका प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक। जब भी डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं कि आपका प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये खुद से ऑकर नहीं करेगा। स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं बच्चों लोग, जो खुद से ऑकर करता है, जो बिना किसी के हेल्प के भी ऑकर करेगा प्रोसेस, यानी विच डज नॉट रिक्वायर एनी हेल्प, ठीक, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब जो प्रोसेस बिना किसी हेल्प के ऑकर नहीं करेगा। डेल्टा जी जीरो का मतलब क्या है, आपका जो प्रोसेस होता है, आपका जो प्रोसेस है वो होता है इक्विलिब्रियम में। क्या होता है, इक्विलिब्रियम में। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब क्या, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी जीरो मतलब क्या होता है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सॉरी, डेल्टा जी जीरो का मतलब प्रोसेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट हो जाएगा। मतलब अगर बोल रहे हैं कि मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रोसेस फास्ट ऑकर कर रहा है। यानी प्रोसेस हो, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर प्रोसेस ऑकर कर रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स से हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस ऑकर करेगा और कौन सा प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा, ठीक है। तो थर्मो बेसिकली हमको एक गाइड देता है कि क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक है। बट जो प्रोसेस हो सकता है, जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसका रेट क्या होगा इसको हमको थर्मो नहीं बताता है। यानी किस रेट से ऑकर करेगा, रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, ये मेरे को थर्मो नहीं बताता। बस ये बताइए कि हाँ प्रोसेस ऑकर करेगा, बट प्रोसेस एक घंटे में होगा कि एक सेकंड में होगा कि एक दिन लगेगा कि एक साल लगेगा, टाइम का जो फ्रेम है वो मेरे को थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है, ठीक है। तो उस टाइम का फ्रेम यानी जो रेट को स्टडी करने के लिए हमको चाहिए क्या, हमको पढ़ना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे मान ले अगर आपके पास कुछ फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल बोलने का मतलब मान लेते हैं कि आपके पास कार्बन है। क्या मान लेते हैं, आप जिस कॉपी पे लिखते हो वो कॉपी किससे बना हुआ है, तो कॉपी बना हुआ है हाइड्रोकार्बन से, मतलब उसमें कहीं ना कहीं कार्बन होगा। तो आपके कॉपी के पेजेस में कार्बन पड़ा हुआ है, ठीक है। जेनी बना होता है सेलुलोज से बना होता है, आपका जो पेपर बना किससे होता है, ट्री का जो पार्ट होता है, तो ट्री में सेलुलोज होता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो वाइट पेपर में सेलुलोज का कंपोनेंट होगा। अब सेलुलोज में होता क्या, कार्बन होता है, तो कार्बन बहुत मौजूद है पेपर में, तो कार्बन पेपर में कार्बन मौजूद है। और आपके एटमॉस्फेयर में एयर में क्या, O2 है। तो अगर ऐसा देखे, अगर पास कार्बन भी है और O2 भी है, तो अगर कार्बन O2 और कंबस्टन करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। हमको पता है कि CO2 जो बन रहा है उसका डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कंबस्टन प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। अगर कंबस्टन प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन ध्यान देना, अगर आप नॉर्मली अपने कॉपी को अपने रूम में रखे तो वो कंबस्टन ऑकर नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन थर्मो क्या बोल रहा है कि कंबस्टन होना चाहिए। तो आप देखोगे, आप अपने कॉपी को 2 साल के बाद देखना या 5 साल के बाद देखना, तो जो बहुत पुराना कॉपी हो जाता है
उसका जो वाइट पेजेस होगा वो येलो येलो मेटल, वो उसका जो कलर है एलोइस हो जाता है, एलोइस। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें कंबशन प्रोसेस हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। तो हमारा जो वाइट व्हाइटिस्ट जो पेपर था वो येलो में कन्वर्ट होने का मतलब क्या, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कंबशन प्रोसेस ऑकर कर रहा है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि प्रोसेस स्पोनेंस होते हुए भी स्लो फास्ट हो सकता है। अब इसी पेपर में अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दे, यानी इसमें मैच स्टिक हल्का सा आग लगा दे, हल्का सा इसमें आग जला दे, तो क्या होगा, हल्का सा जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा यानी आग इसमें जलेगा, ये कंबशन पूरा रैपिड होगा और विद इन सेकेंड्स आपका पूरा पेपर जल के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखा गया कि आपका प्रोसेस स्पोनियस था, लेकिन हम कंडीशन को चेंज करके इसका रेट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, हम रेट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो मेरे को पता चला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी जब हम इग्निशन पॉइंट को अचीव करेंगे, तो आपका टेम्परेचर यानी आपका जो प्रोसेस है फास्ट हो जाएगा। अगर प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रोसेस अगर फास्ट हो जाएगा, ठीक है, तो प्रोसेस फास्ट करने के लिए ठीक हम क्या किए, उसमें हल्का सा आग जला दिया, तो प्रोसेस फास्ट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमको समझ में आया कि हम इस कंबशन प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर किसी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, मतलब रिएक्शन आर से पी है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है अगर हमको पता चल जाएगा, ठीक है, तो हम रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। रेट किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, अगर हमको फैक्टर पता चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो बस रिएक्शन ऑकर करना सफिशिएंट नहीं होता है, रिएक्शन का स्पीड मेरे को चाहिए होता है। जैसे मान लें कि अभी कोरोना का सिचुएशन था, इस कोरोना सिचुएशन में सारे लोग का काम क्या था, वैक्सीन फास्ट बनाना, किस तरीके से कोरोना का वैक्सीन फास्ट आ जाए आपके पास। अब जो वैक्सीन बनता है उसमें केमिकल रिएक्शन ऑकर कर रहा होगा, तो हमको चाहे अगर मान लेते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन करने में 2 साल लग जाएगा, तो मेरे लिए वो डिजायरेबल चीज़ नहीं है। हमको चाहिए क्या, एक प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। तो अगर हमको पता रहेगा कि रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उस फैक्टर को हम चेंज करके रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो काइनेटिक्स का मोटो ही होता है कि आपको पता करना है कि किसी भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है। रेट जिस पे डिपेंड करे, जिस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, उस फैक्टर को चेंज करना है। उस फैक्टर को चेंज करके हम रेट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, रेट को अपने हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसको स्पीड या स्लो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर काइनेटिक्स पढ़ने का नीड क्यों पड़ा, तो इसलिए पड़ा क्योंकि रिएक्शन को बस ऑकर होने से मेरा काम नहीं होगा, रिएक्शन का स्पीड मेरे हाथ में होना चाहिए, यानी रिएक्शन का स्पीड जो है हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हम उसको अपने हिसाब से स्लो फास्ट कर सकें। ठीक है, तो स्लो फास्ट करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि रिएक्शन का रेट किस फैक्टर पर डिपेंड करने वाला है और उस फैक्टर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। समझ में आया, अब ध्यान देना आप। ठीक है, तो ये था कंबशन प्रोसेस का जो बात किए थे, वही यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, वही आपके नोट्स में यूजिंग डेल्टा जी समझाया हुआ है। ध्यान है ना, आपके पास एक रिएक्शन है ए से बी। इस ए से बी में क्या हो रहा है, आपका जो ए है रिएक्टेंट है और बी है प्रोडक्ट। आपका ए रिएक्टेंट होता है और बी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इन प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट है कंज्यूम हो रहा है प्रोसेस में, यानी आपका ए क्या होगा, कंज्यूम होगा, और बी क्या हो रहा है, बी हो रहा है फॉर्म कर रहा है, बी क्या हो रहा है फॉर्म कर रहा है। आपका ए कंज्यूम होगा और बी क्या होगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, तो बोला गया है अब अगर इस केस में अगर ए कंज्यूम करेगा, तो आपको दिख रहा है कि अगर एक एक खत्म होगा तो एक भी बनेगा,
तो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, यानी ए के जो रेट करने का जो रेट है और बी के जो फॉर्म करने का रेट है, वो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अब ध्यान देना, जब भी बात करते हम रेट का, ठीक है, तो रेट का मतलब क्या होता है जी? तो रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान ना, जैसे मान लिया कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो? तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको और मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते क्या लिखते हैं, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब जो लिमिट है, लिमिट को अगर डेल्टा टी का जो लिमिट है, तो डेल्टा टी का लिमिट अगर अप्रोच करें टूवर्ड जीरो के साइड में, तो हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी। क्या होता है? डी एस बाई डी टी। तो ऐसे ही तो रेट का जो मतलब आपका फिजिक्स में पढ़ते हो वही मतलब केमिस्ट्री में होगा। रेट का सिंपल मतलब है जिस क्वांटिटी का हमको रेट पता करना है उसका चेंज टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है आपका रेट। अब ध्यान देना, जब हम बात कर रहे हैं ए से बी का, इस ए से बी में आपके टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या होता है, ए डिक्रीज करता है और बी क्या होता है, फॉर्म करता है, ठीक है, यानी प्रोसेस में ए कंज्यूम हो रहा है। अब ध्यान देना, जब हम रेट ऑफ ए पता करते हैं, तो रेट ऑफ ए जब पता करेंगे तो ए हो जाएगा डेल्टा चेंज ऑफ ए बाय डेल्टा टाइम। और अगर अगर हम बात करते हैं कि टाइम अप्रोच करा टूवर्ड जीरो, तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, चूंकि प्रोसेस में ए हो रहा है कंज्यूम, अगर ए कंज्यूम होगा इसका मतलब क्या है, इसमें जो चेंज होगा वो होता है निगेटिव होता है, क्योंकि टाइम के साथ ए डिक्रीज कर रहा है ना। अगर मान लेते कि ए का टाइम जीरो पे, टाइम अगर जीरो पे, ध्यान देना एक सेकेंड, तो टाइम बिगिनिंग पे अगर ए का अमाउंट 100 है, तो टाइम टी पे क्या होगा, मान लो तो 80 हो गया। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि टाइम के साथ ए घट रहा है, टाइम के साथ ए घट रहा है। तो अगर टाइम के साथ अगर ए घटेगा, इसका मतलब जो चेंज होगा निगेटिव, क्यों? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर फाइनल वैल्यू और घटेगा तो क्या होगा, ये जो डेल्टा यानी जो चेंज आप निकाल रहे हो वो निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो जो भी रिएक्टेंट होता है केमिस्ट्री में, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है, कंज्यूम होता है। तो अगर रिएक्टेंट का टाइम के साथ कंज्यूम होगा तो उसका चेंज निगेटिव होता है, चेंज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर हमको रेट को अगर पॉजिटिव करना है, तो यहाँ जो रेट है ये रेट निगेटिव में है, किस में है, निगेटिव में है। इसको अगर पॉजिटिव करना तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेट को अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, इसको क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ ए को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पॉजिटिव करना है तो जो चेंज जो है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस हो जाएगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, या हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी हो जाएगा। तो चूंकि हमको दोनों को इक्वेट करना है ना, तो बी का रेट पॉजिटिव है, तो ए का रेट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, ए का रेट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये होगा प्रोसेस, ये होगा आपका प्रोसेस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए नहीं रहे, चलो नेक्स्ट सेशन को आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है।